जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का 30वां अध्याय। ब्राह्मण वेश में पार्वती के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर सभी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम पर प्रसन्न होइए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के अथाह सागर हैं। आप ही अपने भक्तों को संकटों से दूर करते हैं तथा उनकी सभी विपत्तियों का विनाश करते हैं। इस प्रकार महादेव जी की अनेकों बार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की भक्ति से अवगत कराया और आदर सहित सभी बातें उन्हें बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने हंसते हुए उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम लौट गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव को लीलाधारी कहा जाता है, वे माया के स्वामी हैं। पुनः वे शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि वे कोई ब्राह्मण अथवा साधु संत जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था, शरीर पर दिव्य वस्त्र तथा माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उनके गले में शलग्राम तथा हाथ में स्फटिक की माला थी। वे मुक्त कंठ से हरि नाम जप रहे थे। उन्हें आया देखकर पर्वतों के राजा हिमालय तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने प्राणेश्वर भगवान शिव को तुरंत पहचान गई। उन्होंने उत्तम भक्ति भाव से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उन ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना की और उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और बोले, हे विप्रवर, आप कौन हैं? यह प्रश्न सुनकर वे ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी गति मन के समान है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ। मैं सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ और भाग्य की सभी बातें जानता हूँ। क्या हुआ है, क्या होने वाला है, यह सब कुछ मैं जानता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी दिव्य सुलक्षणा पुत्री पार्वती को, जो कि सुंदर एवं लक्ष्मी के समान है, आश्रय विहीन कुरूप और गुणहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं। वे शिवजी तो मर घट में रहते हैं, उनके शरीर पर हर समय सांप लिपटे रहते हैं और वे अधिक समय योग और ध्यान में ही बिताते हैं। वे नंग धड़ंग होकर ही इधर उधर भटकते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। आज कोई उनके कुल के विषय में भी नहीं जानता है। वे स्वभाव से बहुत ही उग्र हैं। बात बात पर उन्हें क्रोध आ जाता है। वे अपने शरीर पर सदा भस्म लगाए रहते हैं। सिर पर उन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है। ऐसे अयोग्य वर को, जिसमें अच्छा और रुचिकर कहने लायक कुछ भी नहीं है, आप क्यों अपनी पुत्री का जीवन साथी बनाना चाहते हैं? आपका यह सोचना कि शिव ही आपकी पुत्री के योग्य है, सर्वथा गलत है। आप तो महान ज्ञानी हैं।
आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं, भला आपकी सुंदर पुत्री को वरों की क्या कमी हो सकती है। उस परम सुंदरी से विवाह करने को अनेकों देशों के महान वीर, बलशाली, सुंदर, स्वस्थ राजा और राजकुमार सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आप तो समृद्धिशाली हैं, आपके घर में भला किस वस्तु की कमी हो सकती है। परंतु शैलराज, जहां आप अपनी पुत्री को ब्याहना चाह रहे हैं, वे बहुत निर्धन हैं। यहां तक कि उनके भाई बंधु भी नहीं हैं, वे सर्वदा अकेले हैं। गिरिराज हिमालय, आपके पास अभी समय है, अतः आप अपने भाई बंधुओं, पुत्रों व अपनी प्रिय पत्नी देवी मैना से इस विषय में सलाह कर लें। परंतु अपनी पुत्री पार्वती से इस विषय में कोई सलाह ना लें, क्योंकि वे शिव के गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो वास्तव में साक्षात भगवान शिव ही थे, हिमालय का आदर सत्कार ग्रहण करके आनंद पूर्वक वहाँ से अपने धाम को चले गए। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का 30वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।